परीक्षा के बहुजाल में फंसे भक्तों और पेपर लीक करने वाले कम भक्तों, बोलिए मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए रीत माता की जय हो, बोलिए वनपाल महाराज की जय हो, बोलिए उपनिरीक्षक नाथ की जय हो, बोलिए पटवारी माते की जय हो, बोलिए नेट स्लेट केट जेट धाम की जय हो, बोलिए आंटी आनंद की जय हो। अरे इन दुकानदार बरगट दुकानदार बरगट सदा सिए चो सामने तो सम्मुख से किंड ग्रेड। अरे पांच पेपर लीक भए ऐसा ही रीत फोरे। अरे जल से पतला कौन है तो कौन भूमि से भारी। अरे कौन अगन से तेज है तो कौन का जल से कारी। अरे जल से पतला पेपर है, अरे जहां जल लीक नहीं होता है वहां पेपर लीक हो जाता है। तो जल से पतला पेपर है तो रीत भूमि से भारी। और नकल गेंग अगन से तेज है तो आरपीएससी का जल से कारी। अरे लीक लीक कोचिंग चले तो लीक ही चले आयो। अरे लीक छोड़ तीनों चले निर्बल निर्धन निजो। वाह संता। अरे जिनकी या तो लीक में कौन नहीं है शामिल, लीक या तो वो नहीं कर रहे हैं जिनके पास बल नहीं है, पैसा नहीं है, या जिनके पास धन नहीं है, या जिनके पास पैसा भी है धन भी है लेकिन जुगाड़ नहीं बैठ रहा है किसको दे। ठीक है सर, तो आज के एक भजन का आनंद लेते हैं बच्चों। ठीक है, चाय वाय चढ़ाओ थे मनोराज जी, भजन शुरू करा। जिस भर्ती में पेपर लीक ना हो वो एग्जाम कराना ना चाहिए। जिस गैंग से पेपर मोल लिया, किस गैंग से पेपर मोल लिया कभी नाम बताना ना चाहिए। जिस भर्ती का पेपर लीक ना हो एग्जाम कराना ना चाहिए। बहुत बढ़िया। साए बाबू अब सर नेता हो, साए बाबू अब सर नेता हो इल्जाम लगाना ना चाहिए। जो पेपर ला कर देता हो कभी उसे सताना ना चाहिए। चाहे 20 लाख में सौदा हो कभी दाम बताना ना चाहिए। चाहे साली कितनी प्यारी हो उसे कभी टिपाना ना चाहिए। चाहे कैंपर पलटे पेपर के कभी बैग चुराना ना चाहिए। चाहे बस में पेपर सेफ भी हो कभी सोल्व कराना ना चाहिए। जिस भर्ती में पेपर लीक ना हो कभी नाम कराना ना चाहिए। चाहे लोकर कैसे भी टूटे पर डील टूटनी ना चाहिए। चाहे पेपर कैसे भी लूटे पर सील टूटनी ना चाहिए। जिस भर्ती में पेपर लीक ना हो ए दाम कराना ना चाहिए। चाहे डाइट कितनी महंगी हो उसको ठुकराना ना चाहिए। चाहे सो में से 70 क्वेश्चन दे एहसान बुलाना ना चाहिए। जिस चप्पल में नकल का सेट ना हो उसे पहन के जाना ना चाहिए। जिस चश्मे में ब्लूटूथ एड ना हो कभी उसे लगाना ना चाहिए। जहाँ इनविजिलेटर बिके नहीं कभी वो सेंटर लेना ना चाहिए। जिस शहर में पेपर दिखे नहीं कहाँ पेपर देना ना चाहिए। चाहे रिटर्न में नंबर कमती हो अधिन
रिटर्न जाना ना चाहिए, चाहे रिटर्न में नंबर कम की हो, अधीनस्थ में जाना ना चाहिए। अब इंटरव्यू में अब वाइवा में तो 80 से कम नंबर आना चाहिए, अब वाइवा में भी 80 से कम नंबर आना चाहिए। जिस भर्ती का पेपर लीक ना हो एग्जाम कराना चाहिए। शायद मम्मी कैंडिडेट मिले पर दाम दिलाना ना चाहिए, शायद मम्मी कैंडिडेट के पेमेंट कराना ना चाहिए, चाहे आधी चाहे आधी आंसर शीट भरे एब्सेंट दिखाना ना चाहिए। जिस भर्ती में लीक ना हो